आप लोग अमेठी से आए हैं, किस लिए आए हैं मनोज जी के सांसद जी के घर के सामने? हम लोग अमेठी से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता समूह में आए हैं इस नाते से कि हमारे लोकप्रिय सांसद रहे हैं मनोज जी, हमारे पूर्वांचल के रहने वाले हैं। हम लोग प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज जी के बनने पर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस नाते से हम सभी लोग समूह में आकर के मनोज जी को बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आगामी चुनाव 2017 में यूपी में होने वाले हैं, क्या ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाने पे पूर्वांचल में मोदी के बाद कुछ और भाजपा फायदा उठा पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नागरिक यहाँ रहते हैं और मनोज जी के बनने से उनको भी बल मिलेगा कि उनके क्षेत्र का कोई अपना भाई भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना है, जरूर भारतीय जनता पार्टी की आगे सरकार बनने में मदद मिलेगी। आप संगठन में आपका लंबा अनुभव, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मनोज जी को जो यहाँ प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, इसका लाभ आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी मिलने वाला है। युवा के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या युवा में जोश ला पाएगी भाजपा यूपी चुनाव में मनोज जी के नेतृत्व में कि कुछ और? मनोज जी युवाओं के यूथ आइकॉन के रूप में माने जाते हैं और वो 100% है कि जब बीजेपी में यूपी चुनाव के दौरान मनोज जी आएंगे यूपी में प्रचार के दौरान, वो बहुत ही ज़बरदस्त उसका क्रेज मिलेगा और युवाओं से को जो है प्रेरित करते हैं मनोज जी, और युवाओं का लाभ भाजपा को जरूर मिलेगा, ये 100%। आप आईटी के स्टूडेंट हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा आती है यूपी में तो खास करके विद्यार्थियों के लिए और बेरोजगार के लिए क्या कदम? देखिए, कल्याण सिंह जी के भी समय में विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ किया गया था और वैसे भी जिस तरह से मोदी जी अपनी योजनाओं को चला रहे हैं और जिस तरीके से नई नई योजनाएं आ रही हैं, आप ये मान कर चलिए कि जो रोजगार के अपने यहाँ मतलब बेरोजगारी की ज़्यादा समस्या है वो लगभग समाप्त होगी। धन्यवाद।